है वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन। भाईजान 14 अगस्त आ रही है, मेरे दोस्तों ने 14 अगस्त की सारी तैयारियां कर ली हैं। हम कब करेंगे शॉपिंग? अबू आते हैं ना, हम भी उनसे पैसे लेके तो हम भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह आज हम भी शॉपिंग कर आएंगे। क्यों अकी भाई? क्यों नहीं, क्यों, लाजिम बात है, साल में एक दफ़ा आती है 14 अगस्त, लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ी देर तक, बस अबू आते हैं उनसे पैसे लेके हम भी जाते हैं शॉपिंग कर लेते हैं। अब आएगा मज़ा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त मनाऊंगा और इनको बताऊंगा कि 14 अगस्त ऐसे मनाते हैं। हेलो, हाँ इस्लाम किधर है? अच्छा सुन, क्या प्लान है कल का? अरे यार 14 अगस्त आ रही है ना, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, क्या प्लान है? हाँ तो अच्छा बात सुन, 14 अगस्त आ रही है तो फिर कहाँ है तेरा हीरो, कहाँ है? अरे यार मीन्स के तेरा बाइक हाँ वही। अच्छा सुन, एक काम कर, उसका ना तू सिलेंसर उतार दे, ठीक है? मैं भी उतार रहा हूँ, ठीक है? हाँ मज़ा आएगा यार जब, हाँ जब होगा शोर पता चलेगा। हाँ जी हाँ, बस ठीक है तू उतरवा दे, ठीक है? बल्कि तू ऐसा कर, आ जा पप्पू मैकेनिक की शॉप पे, आ जा, मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ चल सही है, ओके ओके, चल ओके बंद कर, ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इदरीस किधर है? यार 14 अगस्त आ रही है तो क्या प्लान है, क्या करना है? ओ यार छोड़ एकेडमी को, चलते हैं कहीं घूमने फिरने, या इंजॉयमेंट होगी, और क्या करना है यार, साल में एक दिन आता है तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। हाँ हाँ चलेंगे इंशाल्लाह, प्लान बनाते हैं तो घूमने चलेंगे 14 अगस्त को। ठीक है ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है फिर तैयारी फिर मुकम्मल रख अपनी, ओके। ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن نصارى حتى تتبع ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى कर साहब कल हमें क्या छुट्टी होगी? कल किस लिए छुट्टी चाहिए आपको? कर साहब क्योंकि कल 14 अगस्त है और छुट्टी का दिन है इसलिए। अच्छा बेटा आप छुट्टी कर लीजिएगा, पहले मुझे आप ये बताएं कि कल आप करेंगे क्या? कारी साहब हम लोग बाजार से बहुत सी चीजें लाए हैं जिनमें बाजे और झंडियां हैं और पटाखे, हम बाजे बजाएंगे और पटाखे बजाएंगे, बहुत मजा आएगा कारी साहब। आपको ये तो पता है कि आपने बाजे बजाने हैं पटाखे बजाने हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 14 अगस्त वाले दिन आखिर हुआ क्या था? कार साहब 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और क्या जानते हैं आप आज़ादी के बारे में? कार साहब मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि उसमें हम लोग बाजे और पटाखे वगैरह बजाते हैं। बेटा ये हमारा वतन पाकिस्तान इस मकसद के लिए आज़ाद नहीं हुआ था कि हमारे जो मन में आए वो हम करें। 14 अगस्त हमारे बुजुर्गों की लाखों कुर्बानियों की एक कामयाब मंजिल है। 14 अगस्त एक लम्हा या एक दिन नहीं है, ये एक ऐसी तारीख है जिसको कभी हम भुला नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन आज़ादी का दिन होता है, इसमें हम झंडियाँ लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है, लेकिन
आज़ादी का मकसद कुछ और था, इस वतन का हसूल कुछ और था। इस वतन की आज़ादी का असल मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक सुकून से बसर कर सकें। लेकिन अफसोस कि हम शायद आज़ादी का सही मतलब समझ ही नहीं पा रहे। अफसोस, सद अफसोस। भाई साहब, तो हमें फिर आज़ादी के दिन क्या करना चाहिए? बेटा देखो, हम मुसलमान हैं, हमें नवाफिल अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जिन्होंने हमारे मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वतन के बेटे बेटियां, ठीक है, हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए और नफल अदा करनी चाहिए। ठीक राफे भाई, आप घर में क्या कर रहे हो? आओ बाहर चले गली में पटाखे बजाने, और आप अपना बाजा भी ले आए। नहीं अहमद, मैं गली में नहीं, मैं मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। तो चलो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं।